निचली अदालत कोई एक्शन न ले। संभल मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का अहम निर्देश। उत्तर प्रदेश के संभल में मस्जिद के सर्वे को लेकर हुई हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अहम निर्देश दिया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि निचली कोर्ट इस मामले में कोई एक्शन न ले। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि इस मामले में हाई कोर्ट के आदेश के बिना कुछ भी न किया जाए। हालांकि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से ये भी पूछा है कि वह सुप्रीम कोर्ट आने से पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। दरअसल ये याचिका मस्जिद कमेटी ने दाखिल की है। मस्जिद पक्ष ने स्थानीय कोर्ट के सर्वे के आदेश को चुनौती दी है। मुकदमे के बाद गढ़ी जाती है कहानी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा जिला प्रशासन सभी दलों के प्रतिनिधियों के साथ शांति समिति बनाएगा। हमें पूरी तरह से तटस्थ रहना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि कुछ भी ना हो। इस बीच याचिकाकर्ता ने कहा कि मेरी जानकारी के मुताबिक देश भर में इस तरह के 10 मुकदमे लंबित हैं, इनमें से 5 यूपी में हैं। इस मामले में जो तरीका अपनाया जा रहा है वो ये है कि मुकदमा दायर किया जाता है और फिर कहानी गढ़ी जाती है। बंगाल कंसल्टेंट्स ने एक खास सुविधा शुरू की है जो आपको अपोलो हॉस्पिटल और एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड न्यूरोलॉजी तक आसानी से पहुंचने में मदद करेगी। यहां आपको मिलेंगे कई तरह तरह की मेडिकल सर्विसेज जैसे डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी और स्मूथ व्हीलिंग प्रोसेस। इनका कोऑर्डिनेशन टीम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है जो कि हिंदी, बंगाली एंड इंग्लिश में बात कर सकती हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आपको रहने के लिए बेहतर जगह और गाइडेंस की भी बिना किसी रजिस्ट्रेशन फीस के मिलेगा। अगर आपको चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल या AINU में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट या रोबोटिक सर्जरी जैसी ट्रीटमेंट्स लेनी है तो देर किस बात की। अभी कॉल करिए बंगाल कंसल्टेंट को। उनका मोबाइल नंबर है 9147359708। आप अपने ट्रीटमेंट डिटेल्स भी इस नंबर पर भेज सकते हैं। इस मौके का लुत्फ उठाएं और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कुछ प्रतिवादी केवियट पर उपस्थित हुए हैं। हमें लगता है कि याचिकाकर्ता को 19 तारीख को पारित आदेश को उचित मंच पर चुनौती देनी चाहिए। इस बीच शांति और सद्भाव बनाए रखा जाना चाहिए। हमें ये भी मानता है कि यदि कोई अपील पुनरीक्षण किया जाता है तो उसे 3 दिनों के अंदर सुनवाई के लिए लिस्टेड किया जाना चाहिए। बता दें संभल में मुगल शासक बाबर के युग में बनी जामा मस्जिद पर इस बात को लेकर विवाद है कि यहां पहले हरिहर मंदिर था जहां पर मस्जिद का निर्माण कराया गया था। इसको लेकर हिंदू पक्ष की तरफ से एक वकील ने कोर्ट सर्वे की मांग के साथ स्थानीय कोर्ट में याचिका दायर की थी। बाद में कोर्ट ने सर्वे का आदेश जारी किया जिसको लेकर इलाके में तनाव पैदा हो गया और मुस्लिम समाज ने इसका विरोध किया।